फ्रेंड आपको चिकन कटलेट खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन आपको चिकन कटलेट बनाना नहीं आता है, तो फ्रेंड यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज मैं बहुत ही आसानी से घर पे ही एकदम ही रेस्टोरेंट जैसा चिकन कटलेट आपको बनाना सिखाऊंगी। तो फ्रेंड मामानिस किचन पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। चिकन कटलेट बनाने के लिए यहाँ पर मैं 300 ग्राम बोनलेस चिकन ली है। चिकन को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में क्यूब करके काट के रखा है और इसे मैं पहले से अच्छे से वॉश भी कर लिया है। तो ये सारी चिकन को अब हमें मिक्सी के अंदर डाल देना है, क्योंकि इसे हमें अच्छे से पेस्ट बनाना है। फिर इसके अंदर हमें डालना है 2 इंच अदरक, 1 मीडियम साइज की लहसुन की कलियों को डालेंगे, 1 मीडियम साइज की प्याज, 4 से 5 हरी मिर्च ली है, आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे, 1/2 टीस्पून के करीब नींबू की रस डाल देंगे, आप इसकी जगह विनेगर भी डाल सकते हैं 1/2 टीस्पून। 1 अंडा को मैं पहले से तोड़ के रखा था, इसे भी डाल देंगे, 2 ब्रेड को भी तोड़ के डाल देंगे। एक साथ ये सारी चीज पेस्ट बनाने से चिकन के साथ ये सारी चीज मिल जाएगी, तो हमारा कटलेट खाने में ज्यादा टेस्टी बनेगी और ऐसे करने से हमें मेहनत भी ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। बहुत ही आसानी से आप घर पे ही चिकन कटलेट बना पाएंगे। यहाँ पे 1/3 टीस्पून ब्लैक पेपर ली थी, तो इसे थोड़ा सा डालेंगे और थोड़ा सा बचा के रखेंगे, क्योंकि इसे हमें बाद में भी यूज करनी है। 1/3 टीस्पून गरम मसाला ली थी, तो इससे भी हमें थोड़ा सा बचा के रखनी है। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और ये सारी चीज डालने के बाद हमें इसे अच्छे से एकदम महीन सा पेस्ट बना लेना है। और ये देखिए जितनी हो सके मैं सारी चीजों को महीन सा पेस्ट बना लिया है, तो चलिए इसे एक बाउल के अंदर निकल लेते हैं। फिर इसके अंदर हमें डालना है 3 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। और ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा बिस्किट का डस्ट ली है। मैं 7-8 टोस्ट बिस्किट को मिक्स के अंदर पीस के इसे डस्ट बना लिया था पहले से, तो पहले ही हमें इसे नहीं डालना है। पहले हमें ऑयल से ये पेस्ट को अच्छे से मिलाना है, फिर हमें जितनी जरूरत है हम उतनी इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून करके। तो पेस्ट को मैं ऑयल से अच्छे से पहले मिलाऊंगी। तो ऑयल को मिलाने के बाद अब मैं 2 टेबल स्पून ये बिस्किट का डस्ट इसके अंदर ऐड कर लेती हूँ, फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। एक साथ बहुत ज्यादा हमें बिस्किट का डस्ट नहीं मिलाना है, नहीं तो ये जो मिक्सर है ये ज्यादा हार्ड हो जाएगी, तो हमारा कटलेट खाने में अच्छी नहीं लगेगी। तो इसके अंदर मैं फिर से और 2 टेबल स्पून बिस्किट का डस्ट ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। बिस्किट का डस्ट मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि ये जो चिकन का पेस्ट है ये थोड़ा सा सेट बन जाए, ताकि हम इसे कटलेट का शेप दे पाए। तो यहाँ पे हमारा चिकन का जो पेस्ट है ये एकदम रेडी हो गई है। इसके अंदर मैं टोटल 6 टेबल स्पून बिस्किट का डस्ट ऐड किया था, थोड़ा सा बच गई है, इसे मैं साइड में रख देती हूँ। और चलिए इसे अब कटलेट का शेप दे देते हैं। तो अब हमें हाथों में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा लेना है, ताकि ये जो चिकन की मिक्सर है ये हमारा हाथों में ना चिपके। फिर इससे हम बॉल्स बनाएंगे। आप चिकन कटलेट जितना बड़ा या फिर छोटा बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से बॉल्स बनाइएगा। मैं थोड़ा सा बड़ा शेप में बॉल्स बना रही हूँ, क्योंकि मैं चिकन कटलेट भी थोड़ा सा बड़ा शेप में बनाऊंगी। तो ये सारी मिक्सर में से मैं 9 बॉल्स बनाया है, तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप में। और यहाँ पे मैं 3 अंडा को पहले से फोड़ के रखा था, तो इसके अंदर पहले से बची हुई ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे, गरम मसाला पाउडर को भी डाल देंगे और इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा नमक। मैं 2 से 3 पिंच के करीब नमक इस पे ऐड किया है। तो अब हमें ये सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है। अंडा को भी मैं अच्छे से फेंट लिया है, तो चलिए चलते हैं अगले स्टेप में। और यहाँ पे मैं चकला लिया है, चकला के ऊपर मैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल पहले लगा देती हूँ, क्योंकि ये चकला के ऊपर ही हमें चिकन की बॉल्स में से कटलेट की शेप में करना है, तो चिकन इस पे ना चिपके इसलिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाया है। और अब हमें चिकन पेस्ट की ये बॉल्स को हल्के हाथों में दबाते हुए कटलेट की शेप में कर लेना है। आप अपने मर्जी के हिसाब से इसे शेप दे सकते हैं, आप इसे राउंड बना सकते हैं या फिर लंबा बना सकते हैं, नहीं तो आप इसे डायमंड शेप दे सकते हैं, या तो फिर आप मेरे तरह इसे लंबा थोड़ा सा डिजाइन भी बना सकते हैं। और ये कटलेट को शेप देने के लिए यहाँ पे मैं केक डेकोरेट करने की जो स्क्रैपर होती है ना उसका यूज कर रही हूँ। तो आपके पास इस तरह का कोई भी स्क्रैपर है तो आप उससे ये जो कटलेट है इसका शेप दे सकते हैं, नहीं तो आपके पास चौड़ा कोई भी नाइफ हो आप उससे भी कटलेट को अच्छे से शेप दे सकते हैं। और एक चीज फ्रेंड, ये कटलेट को शेप देने के समय आप सारी जगह समन कर लेना, कोई भी जगह ज्यादा मोटा या फिर ज्यादा पतला रहेगी तो हम जब इसे फ्राई करेंगे तो जो पतली जगह है वो तो एकदम जल जाएगी और मोटा जगह जो है वो एकदम कच्ची रह जाएगी, इसलिए इसकी तरफ आप ध्यान रखिएगा। कटलेट को शेप देने के बाद सबसे पहले ये कटलेट को ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट कर लेना है। और ये जो ब्रेड क्रम्स है इसे भी मैं घर पे ही बनाया है। मैं कुछ ब्रेड को सूखी तवे के ऊपर हल्का सा रोस्ट करके फिर वो ब्रेड को मिक्सी के अंदर दरदर सा पाउडर बना लिया था। अब ये कटलेट को ब्रेड क्रम्स के अंदर से उठा के एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स निकाल देना है। फिर ये कटलेट को अंडा की जो बैटर है उसके अंदर डिप करना है और 1 स्पून से मैं ये बैटर ऊपर भी अच्छे से लगा देती हूँ। और अब हमें ये कटलेट को अंडा की बैटर में से उठा के फिर से ब्रेड क्रम्स के अंदर डालना है। तो आप देख ही सकते हैं मैं डबल कोटिंग कर रही हूँ। ब्रेड क्रम्स से अच्छे से कोट कर देने के बाद इसे फिर से
अंडा के अंदर डिप करना है। और अब मैं ये कटलेट को अंडा की बैटर में से उठा के फिर से ब्रेड क्रम्स के अंदर डाल देती हूँ और फिर से ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर अच्छे से लगा देंगे। तो आप देख ही सकते हैं मैं ये सारी कटलेट को डबल कोटिंग कर रही हूँ। ऐसे डबल कोटिंग करने से हमारा कटलेट का जो टेक्सचर है वो ज़्यादा अच्छी बनती है। तो आपको डबल कोटिंग का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है तो आप ये कटलेट को सिंगल कोटिंग भी कर सकते हैं। तो ये कटलेट को अच्छे से कोट करते करते इसका जो शेप है ये थोड़ा सा बिगड़ गई है, आप देख ही सकते हैं। तो इसका शेप मैं पहले की तरह थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं कटलेट का डिज़ाइन पहले की तरह ठीक कर दिया है। तो चलिए इसे एक प्लेट के अंदर रख देते हैं और ठीक इसी तरह मैं सारी कटलेट को ऐसे अंडा और ब्रेड क्रम्स के अंदर कोटिंग करके पहले रेडी कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो सारी बॉल्स में से इसे कटलेट के शेप में करने के बाद ही मैं इसे अभी नहीं फ्राई करूँगी। इसे हमें कम से कम एक घंटा के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देना है। अगर हम इसे अभी फ्राई करने जाएंगे तो क्या होगी, ये तेल में डालने के बाद ही एकदम टूट फूट जाएगी, इसका शेप खराब हो जाएगी। तो इसलिए मैं इसे एक घंटा के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। और ये देखिए एक घंटा के बाद मैं सारी कटलेट को फ्रिज में से निकल लिया था और इसे मैं 10 मिनट तक नॉर्मल टेम्परेचर पर रख दिए थे। तो ये अभी अच्छे से सेट हो गई है। तो चलिए इसे फटाफट से तल लेते हैं। और यहाँ पे कटलेट को फ्राई करने के लिए मैं गैस को पहले से ऑन करके रिफाइंड ऑयल को अच्छे से गर्म कर ली है। तेल से बूदबूदा निकल रही है यानी कि तेल एकदम परफेक्ट हीट है। तो इसके अंदर मैं एक कटलेट को डाल देती हूँ और फिर 2 मिनट वेट करती हूँ और इसके ऊपर हल्का हल्का तेल का इसे छिड़का लगाना है। फिर 2 मिनट के बाद मैं इसके अंदर और एक कटलेट को डाल देती हूँ और 2 मिनट तक मैं इस तरफ इसे फ्राई होने देती हूँ, फिर मैं इसको दूसरी तरफ पलटूंगी। 2 मिनट से पहले हमें इसे टच नहीं करना है नहीं तो ये टूट सकती है। तो 2 मिनट के बाद मैं इसे दूसरी तरफ हल्के से पलट देती हूँ और गैस की फ्लेम को अभी मैं मीडियम से मीडियम लो पे कर देती हूँ, नहीं तो ये जो कटलेट के अंदर की जो चिकन है ये कच्ची रह जाएगी, इसलिए इसे मीडियम लो पे ही फ्राई करना है। और ये कटलेट को ऐसे एक एक तरफ 2 मिनट कर करके इसे 7 से 8 मिनट तक हमें लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। और एक एक बैच में मैं दो दो करके कटलेट फ्राई करूँगी, इससे ज़्यादा हमें कटलेट नहीं डालना है नहीं तो इसको पलटने में हमें बहुत ही प्रॉब्लम होगी। और 7 से 8 मिनट के बाद आप देख ही सकते हैं कटलेट का कलर एकदम चेंज हो गई है और ये अच्छे से फ्राई होके फूल गई है, इसका शेप भी काफ़ी बड़ा हो गई है यानी कि अंदर का जो चिकन का मिक्सर है वो अच्छे से पक गई है। तो चलिए इसे तेल से उठा लेते हैं। और ये सारी कटलेट को तेल से उठाने के बाद इस तरह का कोई भी प्लेन क्लीन कागज़ के ऊपर या फिर टिश्यू पेपर के ऊपर आप इसे रखना ताकि इसका जो एक्स्ट्रा तेल है वो अब्जॉर्ब हो जाए और सारा कटलेट बहुत देर तक क्रिस्पी भी रहे। और अब मैं पहले की तरह दूसरी बैच को भी ठीक इसी तरह फ्राई कर लेती हूँ। पहले 2 मिनट वेट करेंगे, 2 मिनट के बाद और एक कटलेट को तेल के अंदर डालेंगे। तो फ्रेंड ये कटलेट को आप अपने घर में एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और इसे आप टोमेटो केचप और अपने मनपसंद कोई भी सलाद के साथ सर्व कीजिएगा, खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगी। तो फ्रेंड आज की मेरा ये चिकन कटलेट की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप एक लाइक कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों और मेहमान के साथ शेयर करें। और ऐसे ही और भी नया नया इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा हर नया वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ।